हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन धुरंधर ऑटोमोटिव। और आज हमारे पास है मारुति की लेटेस्ट स्विफ्ट। अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है स्विफ्ट। इसका शानदार ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर है। VXI वेरिएंट है, मिड वेरिएंट जिसे हम कहते हैं। 7.5 लाख के आसपास आपका ऑन रोड आता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसमें क्या क्या मिल जाता है आपको। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, ये जो अपना ट्रेडिशनल सुजुकी का लोगो है, सेंट्रली अलाइंड आपको मिल जाता है। दूसरी चीज, अभी जो नया डिजाइन है, नए डिजाइन में थोड़ा सा यहाँ पे गैप जैसा नजर आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि खुला हुआ बोनेट है, लेकिन नहीं, ये डिजाइन का एक एलिमेंट है। प्रोजेक्टर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे इसमें आपको DRL देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्रोम की पट्टी दी हुई है इसको बैलेंस करने के लिए। ग्रिल आपको पियानो ब्लैक में फिनिश मिलता है, बहुत ही खूबसूरत ग्रिल है इसका। ओवरऑल फ्रंट से आप देखोगे बहुत ही अच्छी लुक निकल के आ रही है, और दिखने में ये बहुत प्लीजिंग है, इसलिए हमेशा से स्पोर्टिनेस के लिए जानी जा रही है ये स्विफ्ट। साइड से अगर मैं बात कर लूँ, इसमें आपको अलॉयज देखने को नहीं मिलते हैं, 14 इंच के नॉर्मल आपको व्हील्स देखने को मिलते हैं। बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं, उसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। साथ ही साथ ये सब आपको ये पूरा ब्लैक देखने को मिल जाता है। रूफ का जो कलर है बॉडी के कलर से मैच्ड रहता है। आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं, उसमें थोड़ी ये क्रोम की अलग से एक्सेसरी लगी हुई है। यहाँ पे नॉर्मल आपको एंटेना देखने को मिल जाता है। स्पॉइलर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पहले जो स्विफ्ट थी उसमें आपको यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिलता था, अब वापस से यहाँ पे कर दिया गया है, तो डोर हैंडल अब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डिफॉगर देखने को मिल जाता है। स्पॉइलर एक है, यहाँ पे स्टॉप लाइट देखने को मिल जाती है। स्विफ्ट की बैजिंग LED टाइप के यहाँ पे आपको टेल लैंप्स जो दिए हुए हैं, ये इस तरीके से सी शेप में है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। नई वाली स्विफ्ट का ये काफी आइकॉनिक डिजाइन है, बीच में आपको मारुति का लोगो मिल जाता है। यहाँ से अगर मैं इसका बूट ओपन करूंगा तो बूट स्पेस जो है पिछली गाड़ी इतना ही आपको मिलता है। हल्का सा डीप बूट है, यहाँ पे आप देखोगे काफी गहरा है और अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। 2.5 सूटकेस आप आराम से इसमें रख सकते हो। यहाँ पे एक और जो LXI के ऊपर आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है, LXI में आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलता है, VXI में आपको पार्सल ट्रे स्टैंडर्ड मिल जाता है। अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो गाड़ी है इसमें आपको अब काफी सारी सेफ्टी फीचर्स वगैरह एडिशनल ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जब दरवाजे को आप बंद करोगे, डोर थर्ड ठीक ठाक है, मारुति की गाड़ी है उसके हिसाब से बढ़िया है। लॉक अनलॉक आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप अंदर से ही मिरर को कंट्रोल कर सकते हो, ये एक एडिशनल फीचर है LXI के ऊपर। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। की अगर मैं आपको दिखा दूं, की इसकी इस टाइप की दिखती है, क्लासिक जो मारुति की अपनी चाबी होती है वैसी दिखती है ये चाबी। इसमें आपको पुश बटन वाला सिस्टम नहीं मिलता है। एक जो बहुत ही अच्छी चीज लगती है यहाँ पे कि मारुति ने VXI क्या LXI मॉडल से ही यहाँ पे ये दे दिया है, आपका क्लाइमेट कंट्रोल टाइप का सिस्टम दे दिया है। तो बेसिकली ये आपको दिखने में, एक्चुअली आप देखोगे ना, यहाँ पे ये फैन जैसा ही है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली टेम्परेचर आप सेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपका एक है मैनुअल AC, बट लुक इसका बिल्कुल मिल जा रहा है आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाला। और ये मैक्स AC आप कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ऑटो AC वगैरह का ऑप्शन कहीं भी नहीं नजर आएगा। और ये एक बड़ी मजेदार चीज लग रही है कि मारुति ने क्या सही अपना दिमाग लगाया है, वेरी वेल डन। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, ये अपना क्लासिक आपको मिल जाता है। 7 इंच का जो डिस्प्ले होता है, जो काफी सारी मारुति की गाड़ियां यूज करती हैं, यहाँ पे एवरेज वगैरह भी, व्हीकल डेटा भी आपको यहीं पे बता देता है। कनेक्टिविटी इसकी काफी अच्छी है, स्टेयरिंग पे आपको इसके कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको हाई सुजुकी भी बोल सकते हो, हाई सुजुकी बोलोगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। हाई सुजुकी, जैसा कि आप देख सकते हो ये अपना एक्टिवेट हो चुका है। इस तरीके से आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आपको ये सारे बटन्स दिए रहते हैं। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, इसकी बात आगे चल के करेंगे जब इंजन की बात करेंगे। LXI के ऊपर क्या क्या मिलता है आपको, ये देखो बटन से अलग से मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन अलग से मिल जाता है, LXI में स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है। डायल्स आपको सेम मिलते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर बता देता है। अभी मीटर डिसकनेक्टेड है, पर अगर कनेक्टेड होता तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बता देता, जो LXI में आउटसाइड टेम्परेचर नहीं बताता है। ड्राइवर साइड के वाइजर में यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये प्रॉपर अपने हैलोजन लैंप्स मिल जाते हैं इंटीरियर के। मैनुअल डिमिंग IRVM भी आपको VXI से ही शुरू होता है, और यहाँ पे भी आपको जो मिरर मिलता है VXI से ही शुरू होता है। एयरबैग की वार्निंग है, तो एयरबैग की बात यहीं पे कर लेते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, तो हर एक मॉडल में 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा मॉडल हो चाहे बड़ा से बड़ा मॉडल। हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन जहां जरूरत है, जैसे यहां पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, तो आपके हैंड को अच्छे से रेस्ट करने की जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई हैंडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाता है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, बेस मॉडल से ही अब आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलने लगा है। ग्लव बॉक्स का साइज भी अच्छा खासा है, इसमें आप आराम से अपने ढेर सारे सामान रख सकते हो। हुंडई की एक्स्टर इसी के रेंज की गाड़ी है, उसमें आपको ये
एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज लगती है। बाकी सीटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो आपका जो ये स्टेयरिंग है ये आपका ऐसे टिल्ट एडजस्ट है, टेलीस्कोपिक एडजस्ट इसमें आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आपको सिर्फ रिक्लाइन और ये स्लाइड का आपको मिलता है, इसमें आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता है, जबकि ये VXI मॉडल है। ट्रिप मीटर वगैरह की बात कर लें तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीट्स वैसे काफी चौड़ी हैं, काफी कंफर्टेबल हैं और गाड़ी में जो हेड स्पेस वगैरह भी मिलता है आपको स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है। रियर के स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो रियर में आप देखोगे सबसे पहले रियर डोर में आपको यहाँ पे पहले तो मिल जा रहा है पावर विंडो का स्विच मिल जा रहा है, यहाँ पे क्रोम से आपको डोर हैंडल मिल जा रहे हैं, यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिल रहा है। सीट्स आपको इसमें काफी बढ़िया मिल जा रही हैं। अगर आप इन सीट्स पे बैठोगे, ये वाली सीट काफी पीछे है फिर भी आप देख सकते हो टच नहीं हो रहा है, थोड़ी सी जगह बच रही है, पैर आप अपने स्प्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे रियर एसी वेंट देखने को नहीं मिलता है। स्पीकर्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी इसमें हेडरेस्ट जो है हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मल देखने को मिल रहा है। पार्सल ट्रे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था बूट दिखाते टाइम। बाकी सीट्स काफी चौड़ी हैं, यहाँ पे 3 आदमी आराम से बैठ सकता है, यहाँ पे भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि कोई बड़ा सा हम्प नहीं है। साथ ही साथ चौड़ाई सीट की अच्छी खासी है, इसमें 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे तो सिटी में तो 5 लोगों के कम्यूट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी गाड़ी रहने वाली है। हुड ओपन करने के लिए और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको टॉगल स्विचेस मिल जाते हैं। पेडल्स का साइज इसका काफी बढ़िया लगता है और साथ ही साथ आपको एक डेड पेडल मिल जाता है, जो पर्सनली बोलूं मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि मारुति ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो मेन इंजन है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि इससे पहले तक के सीरीज जो इंजन यूज हो रहा था वो 4 सिलेंडर वाला अपना था 1200 cc का। जेड सीरीज इंजन है ये, इसमें अब आपको 1 सिलेंडर कम कर दिया गया है, 3 सिलेंडर कर दिए गए हैं। पावर आपका 7 BHP के आसपास कम हुआ है लेकिन माइलेज बढ़ चुका है। माइलेज अब ये गाड़ी करीब करीब 25 दे रही है दोनों ही AMT और मैनुअल वेरिएंट्स में। काफी बढ़िया से यहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग दी हुई है, यहाँ पे इंसुलेशन भी दिया हुआ है, ये भी काफी बढ़िया देखने को लगता है। बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साइज इंजन का जरूर छोटा है लेकिन पावर का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 7 BHP का है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या आपको 3 सिलेंडर से घबराना चाहिए? अगर आपका सिटी यूसेज है तो घबराने की जरूरत आपको तब है जब आप चला रहे हो हाईवे पे, तब थोड़ा ज्यादा RPM लेती है गाड़ी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओवरऑल काफी छोटा सा इंजन है, यहाँ पे आपको माइलेज के लिए जाना जाता है और माइलेज ये गाड़ी दे रही है, 25 का क्लेम्ड है, आराम से देती है। पुरानी स्विफ्ट भी आपने देखी होगी, काफी हद तक यही है अपनी ब्रांड न्यू एपिक स्विफ्ट VXI मॉडल है। इसमें आपको काफी सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं और पैसे भी आपके काफी बच जाते हैं, क्योंकि आपको ये गाड़ी करीब करीब 8.5 में ऑन रोड मिल जाती है उत्तर प्रदेश। शोरूम की डिटेल्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।